ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय स्वर्गते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम बगलामुखी माताए नमो नमः। सभी भक्त जन मिलकर बोलेंगे जय माँ बगलामुखी तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरों वाली का बोलिए साचे दरबारे की जय जय। माता की। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप सुबह उठकर अपने घर के बाहर पानी डालती हैं तो आपको आज का यह एपिसोड जरूर देखना चाहिए। सुबह उठकर घर के बाहर पानी डालने वाली महिलाएं आज का यह एपिसोड जरूर देखेंगी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सुबह उठकर घर के बाहर पानी डालने से क्या होता है। क्योंकि जब भी हम अपने घर में कोई कार्य करते हैं तो हम इसी उद्देश्य से करते हैं, हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद रहे, हमारे घर में बरकत रहे। प्यारे बंधुजनों, पिछले बहुत दिनों से हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए थे कि गुरुजी सुबह उठकर घर के बाहर जल डालने से क्या होता है, क्या सुबह उठकर घर के बाहर जल डालना चाहिए और अगर हाँ तो इसके क्या लाभ होते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, बहुत इंपॉर्टेंट आज का यह एपिसोड होने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके बांके बिहारी को प्रणाम करेंगे। ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे प्यारे दर्शकों, सुबह उठकर घर के बाहर पानी डालने के बहुत सारे फल मिलते हैं और सुबह उठकर घर के बाहर जल डालने के फायदे ही फायदे होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका घर नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा रहे, अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी ताकतों से बचा रहे, तो सुबह उठकर घर के बाहर ताजा जल जरूर डालना चाहिए। और बहुत सारे भक्तों का एक कमेंट और आया था कि गुरुजी जो जल हम घर के बाहर डालते हैं क्या उसमें थोड़ा नमक भी मिला सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। घर के बाहर जो जल आप डालते हैं सप्ताह में 7ों दिन नहीं, इस बात का ख्याल रखना है, सप्ताह में 1 या 2 दिन आप जो जल घर के बाहर डाल रहे हैं उसमें आप थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। नमक डालने से जो है आपके घर पर अगर कोई बुरी चीज का असर है वो असर भी समाप्त होता है और बाहर की जो बुरी चीज है वो भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। क्योंकि नमक का प्रयोग जो है वो बुरी ताकतों से बचने के लिए किया जाता है। नमक में ऐसे दिव्य गुण मौजूद होते हैं जो हर प्रकार के अनिष्ट से आपकी रक्षा करते हैं। जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के बाहर ताजा जल डालती हैं उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। जो सुबह उठकर घर के बाहर ताजा जल डालते हैं उनका घर भगवान की कृपा से हमेशा सराबोर रहता है। आपके सभी काम बनते हैं, आपके किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं आती। सुबह उठकर घर की दहलीज पर जल डालने से जो देवी देवता होते हैं वो भी आपके घर में प्रवेश करते हैं और देवी भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप चाहते हैं आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहे तो सुबह उठकर घर के बाहर ताजा जल जरूर डालना चाहिए।